ओके जी, ये जस्ट गॉट बैक होम, अभी वापस आई हूँ. सोचा एक बता दूँ कि क्या हुआ, बिकॉज स्नैप्स बड़ी डिसऑर्डर्ड है. लाइक कुछ समझ नहीं है कि क्या हो रहा है क्या. जब आप किसी को गाड़ी चलाते हुए देखते हो, आपको होता है कि यार व्हाट फ्रीडम, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि लड़की गाड़ी चला रही है, इट्स गुड, यू आर सो फ्री. मतलब माँ बाप ने आप पर पाबंदियाँ नहीं लगाई एंड यू नो ऑल दैट. बट उस पर क्या होता है, लड़की के पे क्या बीत रही होती है वो उसी को पता है. जब वो गाड़ी सड़क पे लेके निकलती है तो उसके दिमाग में जो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, वो उसी को पता होती है. सो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग इज वो द थिंग्स दैट कम विथ इट. अभी क्या हुआ है कि आई वॉज गेटिंग अ ब्लो ड्राई डन. आज मेहंदी है तो ब्लो ड्राई करवाने गई थी. उसके बाद डैड का मैसेज आया कि दवाइयाँ ले आओ ना. अब वो कल भी नहीं थी, मैं सोचा कि आज ले आते हैं दवाइयाँ. सो आई वेंट टू गेट मेडिसिन्स, और ऑब्वियसली जैसे सब ने पार्किंग की होती, मैंने ही पार्क की. मतलब एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी होती है एंड सो ऑन. अब आई डोंट नो व्हाट टू फील ब्रो. आई मीन एक गाड़ी आप रिवर्स कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली अपने पीछे तो देखो कोई है, कोई इंसान है, कोई साइकिल. मैं तो 10 बार दी हूँ, कोई जानवर भी हो तो. और वो जो औरत बाहर खड़ी शॉले ले रही है, जिसने मुझे मतलब अपने ऊपर चादर ले ली, जो भी, मैं वहां पे आई हूँ, रुकी हूँ गाड़ी, उसने मुझे देखा है. उसने भी ड्राइवर को नहीं कहा कि भाई देख के थोड़ा पीछे गाड़ी भी है किसी की. इट वॉज एट अ डिस्टेंस, लेकिन जिस तरह वो पिकअप वाले होते हैं, उन्होंने खींच के पीछे मारी है तो सीधा त्रेल पै गई है, मतलब गड्डी के उत्ते फुल. बहुत हैवी सीन हो गया. और इससे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इस बात पे आया कि जो वो जो औरतें थी उनके बिहेवियर पे. अब फ़ोन पे उन्होंने बात कराई ओनर से जो पिकअप की थी. मैंने कहा आप मुझे नहीं पता आप बात कराएं, आई वॉन्ट टू बी कंपनसेटेड फॉर दिस. मजाक नहीं है, मतलब घर आके मैंने भी जवाब देना है किसी को. दिस इज़ नॉट माई कार, अगर मेरी भी होती तब भी आई वुड वॉन्ट कंपनसेशन. वो चीखे मारना शुरू हो गया उस मोमेंट पे, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत ख़राब हो. तो बहरहाल उन्होंने फ़ोन पे बात कराई ओनर से, शी वॉज ओनर ऑफ अ ब्यूटी सैलॉन, ऊपर डिफेंस में ही था उनकी वो लड़कियाँ, घर जा रही थी. तो बात की उनसे, मेरी अम्मी उन पर फ़ोन पे बात कर रही थी. उन्होंने कहा कि ये लड़कियाँ जो हैं आपकी, ये हिजाब में तीन औरतें, ये क्या लगती हैं आपकी, राइट? वहाँ पे एक मिडिल में खड़ी थी एंड शी इज़ लाइक, कम अज़ कम हिजाब तो लिया हुआ, नंगा सर तो नहीं खड़े ना. लाइक व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू से मैन? आपका एटीट्यूड की वजह से मुझे और तब चढ़ गई. मैंने मैंने अम्मी मुझे फ़ोन दो, मैंने उस औरत को सही से क्लियरली बताया. मैंने कहा योर स्टाफ इज़ रिप्रेजेंटिंग योर सैलॉन. बार बार वो नाम ले रहे हैं सैलॉन का, अभी तो मैं नहीं ले रही लेकिन शायद ज़रूरत पड़ी तो बता भी दूंगी कौन सा सैलॉन है. इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन आपका स्टाफ ऐसा है. इफ आई वर यू आईड बी कंसर्न्ड कि व्हाट आर दीज पीपल रिप्रेजेंटिंग. उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आई एम एट अ इवेंट, मैंने उनसे नंबर लिया है, मैंने कहा कल आई विल कॉन्टैक्ट यू. अब देखते हैं क्या होता है. मैं वहाँ गई हूँ, मुझसे ओनर मिली हैं, ऑब्वियसली वो कह रही हैं मतलब बी काम वगैरह. मैं हूँ और काम, मतलब म्यूजिक तो परफेक्ट लगे लेकिन मुझे नहीं पता कौन से फ्लोर पे. आई थिंक ये लेट्स सी. आते बंद है, थर्ड ट्राई करते हैं. आई शुड हैव जस्ट आस्क्ड समबडी, पर मैं नहीं पता मैं कितने जाऊं. इसके बाद एक और फ्लोर रहता है. बहरहाल बैठी थोड़ी देर बात की है, उन्होंने कॉल की है उसको, ड्राइवर को जिसने मारी है, क्योंकि ड्राइवर इतने पहुंच जो तू कितना है उदा जवाब दे. मतलब उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगी इसकी कॉस्ट, मैं दूंगी कल कोई फिर ठोकेगा. मैंने कहा आप फिर निकालें ऐसे इंसान को जो पार्क्ड गाड़ी को मारता है. मतलब एक गाड़ी पार्किंग लॉट में पार्क हुई हुई. तो बहरहाल आधा घंटे बाद वो आया है बंदा, उसको मैंने दिखाई है. तो आगे से मैं गरीब आदमी वगैरह, आई डोंट फॉल फॉर दिस. आई एम दी मोस्ट इमोशनलेस कह सकती हूँ, मैं इन चीज़ों पर नहीं करती. मैंने कहा आपने मारने से पहले सोचना चाहिए था कि आप गरीब आदमी, ठीक है ना, इतनी तेज़ दिलेरी से जो गाड़ी निकालते हैं ना, यू जस्ट कॉन्ट लेट देम. एक लेसन सिखाना था मैंने बात से. उस दिन जब मेरा पुराना एक्सीडेंट हुआ था, 500 मैंने क्यों ले ली, मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी थी, उसको एहसास होगा कि मैंने गाड़ी मारी थी, अब मैं एहतियात से चलाऊंगा, मैं देख के रिवर्स करूँगा, देखेगा कि मतलब किसकी गाड़ी कहाँ खड़ी है, कहीं नूर मन्नू की गाड़ी तो नहीं खड़ी. अच्छा वो ओनर बड़ी फ्रेंडली थी, उन्होंने चॉकलेट मुझे ऑफर की, कॉफ़ी ऑफर की,
मैं क्या नो कॉफ़ी तो मैं वैसे भी नहीं पीती, मुझे जहर लगती है। तो कहती हैं आपकी तो कुछ आदत है बच्चों वाली है ही नहीं। मैं तानू की मतलब इन्ना वड्डा ढोला बच्चा लग रही थी, मतलब कि क्या। जब मैंने उन्हें कहा आप क्या कर दी, मैं क्या मैं लॉ कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, बड़े आजकल मैं ये प्राउडली कहती हूँ। तो थोड़ा वो हुई, अच्छा ठीक है आपके अब्बू क्या करते हैं, आपकी अम्मी क्या करती हैं, फलाँ इशू होगी ना। फ्रेंडली थी, काइंड थी, लेकिन बात ये थी कि मीटर मेरा हाई सी और मुझे ये बात इतनी ना ट्रिगर करती अगर वो औरतें जो थी गाड़ी में उन्होंने बदतमीजी ना की होती इस लेवल की। मुझे अभी भी याद है जो बात उन्होंने कल की थी, आई थिंक मैंने एक बार मेंशन की है। आया ड्राइवर आया, देखा ये मैडम कम अज़ कम बम्पर तो नहीं लटक गया, बम्पर तो ठीक है ना आपका। मैंने कहा अभी आप कहेंगे इंजन नहीं फट गया, शीशे नहीं टूट गए, अभी की बात करें जो हुआ उसकी मुझे बताया, कॉस्ट दें मैं जाऊँ। तो बहरहाल 3000 रुपीज़ उसने दिए, कॉस्ट ज़्यादा ही होनी है इससे, लेकिन वो बंदा दे ही नहीं सकता, मुझे पता था। उसने कहा मैडम प्लीज़ ये वो फला, तो मैंने कहा ठीक है कल को आप ना देख के गाड़ी चलाएं, तो ये नौबत नहीं आएगी। तो ये सारा सीन हुआ है, मतलब है कि मजाक तो नहीं है ना, फिर तुम वेख के गाड़ी चलाओ किसी के साथ भी हो सकता। तो ऑनेस्टली बोलो मेरे साथ होता तो मैं देती, आई वुड हैव ओन अप टू माय मिस्टेक, आई वुड हैव पेड अप। आई अंडरस्टैंड द फैक्टर कि सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस, बट क्या है मतलब, खैर जो भी है। मैं अंदर गई हूँ पार्लर में, वो सामने मेरी लड़की बैठी जिसने ये बात की है, मजाल है कि उसकी आवाज़ भी निकले, मैडम ऐसी कुछ नहीं, फिर मैडम ऐसा नहीं मैंने बोला था। The next day. आज़रीन TK714 लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर चुकी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट पे क्या हुआ, आखिर कौन आ रहा था जिसे मैं इस अंधेरी रात में पिक करने गई थी। वैसे 5 बजे तो सुबह हो जाती है, मगर फिर भी क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए देखिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। नूरा आउट। अच्छा मैंने कहा बाबा मैंने आपको एक बात बतानी। कहते हैं क्या हुआ, गाड़ी लग गई है। मैंने कहा हाँ, बट मैंने नहीं मारी, मैंने नहीं जाना कैसे हुआ है, कहाँ लगी है, आगे लगी है। क्या आगे ज़्यादा लगी है? नहीं, बस पेंट उतरा है उसका आगे से, वो सीरियल प्लेट के साथ जो नंबर प्लेट के साथ। मैं देखा मैं इस वजह से मना करता हूँ कि राख कुआड़ी नहीं जानी, मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं जाना रात को गाड़ी, मैंने मना किया ना कि ना रश आवर होता है ट्रैफिक। मैंने अभी मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, अभी तो मैं ऊबर पे आई हूँ। क्या गाड़ी ठीक है ना? मैं हाँ ठीक है, बाहर बाहर खड़ी है, ठीक है। बस वो एक मसला है उसका कि फॉग लाइट निकल आई है।